नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपके स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं, अगर आपने LIC के किस्त जमा कर दिया उसका रिसीव आपने डाउनलोड नहीं किया तो आपको कैसे डाउनलोड करना है। अगर आपसे रिसीव खो गया तो भी आप डाउनलोड कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। मैंने आप लोगों को A to Z बताऊंगा, वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखते हैं तो अभी जाके आपको पता चलेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप कंप्यूटर आपके पास जो भी है आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर टाइप करना है LIC ऑफ इंडिया। उसके बाद आपको क्या करना है, सर्च बार में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होम, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इस पेज पर आने चाहते हो तो आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो के नीचे मैंने इसका लिंक दे रखा हूँ, क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हो। अगर आप मोबाइल में ओपन करने चाहते हो तो आपको क्या करना है, ऊपर 3 डॉट दिखाई दे रहा है, 3 डॉट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है डेस्कटॉप साइड, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप में ओपन होगा आपके मोबाइल पर भी सेम चीज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पे प्रीमियम ऑनलाइन, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसे वाले पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है पे डायरेक्ट, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास अभी नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है पे डायरेक्ट, अगर आप पे करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको व्यू करना है या डाउनलोड करना है रिसीप्ट तो आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर आपने पॉलिसी नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ट्रांजेक्शन डेट, जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है मतलब पेमेंट किया है LIC में तो आपको क्या करना है, वही डेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले यहाँ पर मंथ चूज करता हूँ। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको साल चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर ओके में क्लिक कर देना है। ओके में क्लिक करने के बाद यहाँ पर डे सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर 11 तारीख को पेमेंट किया था, इस वजह से मैं 11 तारीख के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्लीज सिलेक्ट, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, रिन्यूअल प्रीमियम, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है सबमिट, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर नीचे ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो रिसीव नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है पेमेंट डेट। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कितना आपने पेमेंट किया है, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक कर देना है, रिसीव नंबर के ऊपर ही। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ी देर वेट करना है। अब यहाँ पे देख सकते हो हमारे यहाँ पर डिटेल्स ओपन हो चुका है। अगर आप चेक करने चाहते हो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके प्रीमियम कब है और अगले वाले पेमेंट कौन सा डेट को आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। अगर आपको LIC प्रीमियम जमा करना है, इस वाले वीडियो जैसे खत्म होगा आपको एक वीडियो मिल जाएगा LIC के प्रीमियम आप कैसे जमा कर सकते हो, सारे वीडियो मिल जाएगा इस वाले चैनल पर। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है, इस वाले वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों ये था छोटा जानकारी, इस जानकारी को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले।